दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक की 13 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। इन भर्तियों के फॉर्म फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट इन भर्तियों के फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि किन किन 13 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक की टॉप 13 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है इंडियन एयरफोर्स में, भारतीय वायुसेना IAF के अंतर्गत भर्ती निकली है। AFCET एंट्री के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। 317 वैकेंसीज है। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। बैचलर डिग्री BBTech से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 24, 20 से 26 वर्ष आयु सीमा है। ₹250 एप्लीकेशन फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो AFCET.CDAC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग में निकली है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO की यहाँ पर पोस्ट निकली है। 995 वैकेंसीज है। 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। ₹450 एप्लीकेशन फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो MHA.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। SBI के अंतर्गत सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO की पोस्ट निकली है। 5280 वैकेंसीज है। 12 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ₹750 फीस है। SST को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो SBI.CO.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो निकली है IDBI बैंक में। यहाँ पर JAM और ESO की पोस्ट निकली है। 2100 वैकेंसीज है। 6 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ₹1200 एप्लीकेशन फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो IDBI bank.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 5 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम इंडियन नेवी के अंतर्गत। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 275 वैकेंसीज है। 1 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। 10वीं पास ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो IndianNavy.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जॉब है वो भी इंडियन आर्मी में निकली है। आर्मी डेंटल कॉप्स के लिए 28 वैकेंसीज है। 17 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। BDS MDS से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 45 वर्ष आयु सीमा है। ₹200 फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो joinindianarmy.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 7 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है ITBP में। असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर की पोस्ट है। 15 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ₹400 फीस है। SST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो recruitment.itbpolice.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है RRC NCR रेलवे में। अप्रेंटिस के लिए 1697 वैकेंसीज है। 14 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। 10वीं पास ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। ₹100 फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो RRCPRYJ.org पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर की जॉब है वो भी इंडियन आर्मी में निकली है। फायरमैन की भर्ती है। 11 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27, 30, 32 वर्ष आयु सीमा है। ऑफलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो IndianArmy.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 10th नंबर की जॉब निकली है
वो निकली है RRC ECR रेलवे में। ACT अप्रेंटिस के लिए 1832 वैकेंसीज है, 9 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। 10वीं पास ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है, 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो RRCECR.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 11 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है इंडिया पोस्ट ऑफिस में। PASA पोस्टमैन मेल गार्ड MTS की भर्ती यहाँ पर निकली है। 1899 वैकेंसीज है, इसके लिए भी 9 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10वीं 12वीं पास और डिग्री पास है। यहाँ पर एज लिमिट 18 से 25 और 18 से 27 वर्ष है। 100 रुपये फीस है, SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर 12 नंबर जॉब की जाए तो वो भी RRCWR रेलवे में निकली है। स्पोर्ट कोटा के लिए 64 वैकेंसीज है, 9 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं ITI डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है, 500-250 रुपये फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो RRC-WR.com पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 13 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली SBI में। जूनियर एसोसिएट क्लर्क की भर्ती है, 8283 वैकेंसीज है, 7 दिसंबर तक आवेदन चलेंगे। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है, 750 रुपये फीस है, SST को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो SBI.co.in पोर्टल से। तो दोस्तों ये थी 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक की टॉप 13 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।